हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सेशन लेकर आया हूँ। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मींस 2018 पजल्स आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब आज हम एक पजल देखेंगे जो लास्ट ईयर मतलब 2017 के आरआरबी पीओ मींस में पूछे गए थे। इससे एक तो आपको आइडिया रहेगा कि पिछले साल क्या क्या सवाल, किस तरह के लेवल के सवाल पूछे गए थे और इस साल आप कितने लेवल के सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। ठीक है, तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके सामने, सवाल है आरआरबी पीओ मेंस 2017 का। ठीक है, तो सवाल पढ़िए क्या दिया गया है। एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच बॉर्न ऑन 7th, 9th, 16th एंड 19th इन मार्च एंड जुलाई। तो आठ दोस्त हैं, आठों दोस्तों के नाम दे दिए गए और बताया गया है कि चार डेट्स हैं, 7, 9, 16 और 19। 7, 6, 9th एंड 19th, 7, 9, 16th एंड 19th, और 2 महीने हैं मार्च और जुलाई जिनमें इनकी बर्थ डेट्स है। तो चार डेट्स है और 2 महीने हैं और ये इनकी बर्थ डेट्स दी हुई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पढ़िए। ईच वन ऑफ देम आइदर लाइक्स अ कलर और अ फ्रूट। या तो उन्हें कलर पसंद है या फ्रूट, दोनों पसंद नहीं हो सकते हैं। जिनको कलर पसंद है उन्हें फ्रूट पसंद नहीं, जिन्हें फ्रूट पसंद है उन्हें कलर पसंद नहीं। मतलब आठ जो बंदे हैं उनमें से इंडिविजुअली सबको या तो कलर पसंद होगा या फिर फ्रूट, दोनों नहीं। ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स कलर वर बॉर्न ऑन दैट डे विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जिन्हें कलर पसंद है वो परफेक्ट स्क्वायर वाले दिन पैदा हुए थे। तो क्लियरली समझ आता है 9th और 16th ही परफेक्ट स्क्वायर है चारों डेट में से। ठीक है, तो जिन जिन को कलर पसंद है वो 9th और 16th को बर्थ डेट है उनकी। एंड द वंस हु लाइक कलर लाइक हु लाइक एंड द वन हु लाइक्स फ्रूट्स, द पर्सन हुआर बॉर्न ऑन द डे विच डिनोट्स अ प्राइम नंबर्स लाइक फ्रूट्स। तो प्राइम नंबर्स वाले कौन कौन से हैं, 7 और 19। तो 7 और 19 को जिनका जन्म हुआ है, जिनकी बर्थ डेट है, उन्हें फ्रूट्स पसंद है, और जिनका जन्म प्राइम नंबर वाले दिन मतलब 7th और 19th को हुआ है, उन्हें फ्रूट्स पसंद है। तो क्लियरली ये समझ आ गया है। ठीक है, और नाम दे रखे हैं फ्रूट्स के भी और कलर्स के भी। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आपका सवाल स्टार्ट हो रहा है। तो सवाल स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। टेबल कुछ इस तरह बनेगा, मार्च 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 और देन एक और मार्च, देन जुलाई जुलाई, सॉरी थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, एक बार इरेज कर देते हैं, नीचे स्पेस नहीं बच रहा तो जल्दी से इरेज कर देते हैं। इरेज कर दिया, फिर से लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देते हैं। 4 मार्च होंगे, 1, 2, 3 एंड 4, देन 4 जुलाई, 1, 2, 3 देन 4, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया। अब डेट्स डालिए, कौन कौन सी डेट्स है, 7, 9, 16 और 19, देन अगेन 7, 9, 16 और 19। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या आ जाएगा मान लेते हैं। यहां नेम आ जाएगा, यहां पर क्या उन्हें पसंद है वो आ जाएगा। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से दिन कलर्स है और कौन कौन से दिन फ्रूट्स है। अब जैसे कि 7th और 19th आपके वो लोगों का बर्थ डेट है जिन्हें फ्रूट्स पसंद है, तो आगे एक एफ लिख दीजिए, एफ। और जिन जिन को 9th और 16th को उन्हें कलर पसंद है तो सी से डिनोट कर दीजिए, सी सी एफ, फिर से एफ, देन सी सी अनदर एफ। अब इससे आइडिया रहेगा एक तो कि हमें फ्रूट्स लिखना है या कलर लिखना है। ठीक है, और यहां पर आ जाएंगे आपके नेम ऑफ द एट फ्रेंड्स। चलिए अब पहली इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। द वन हु लाइक्स येलो कलर वॉज बॉर्न ऑन अ डे विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में पैदा हुआ था और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 9th भी हो सकता है, 16th भी हो सकता है, और देखते हैं। नो पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स येलो। अब येलो क्या है, येलो एक कलर है और डी डज नॉट लाइक कलर, डी को कलर पसंद नहीं है। द वन हु लाइक्स येलो, तो येलो या तो यहां होगा
या फिर यहां होगा एंड डी डज नॉट लाइक कलर्स, डी को कलर पसंद नहीं है तो इसका मतलब फ्रूटी पसंद होंगे, तो डी को कहां सेट कर देते हैं, डी को कहां सेट करेंगे जल्दी से बताएंगे। डी आपका ऑटोमेटिकली यहां पर सेट हो जाएगा क्योंकि बोला गया था, सॉरी हाँ डी ऑटोमेटिकली यहां पर सेट हो जाएगा क्योंकि बोला गया था कि मार्च में पैदा हुआ है और उसे क्या पसंद नहीं है, कलर पसंद नहीं, कलर नहीं पसंद है तो क्या फ्रूट पसंद होगा। अगर यहां डी है, अगर यहां डी है तो यहां क्या आ जाएगा आपका, येलो आ जाएगा। येलो यहां भी हो सकता था पर हमने येलो को यहां रखा है क्योंकि हमें क्या चाहिए कि डी को फ्रूट पसंद आए, तो उसके चांस सिर्फ यही थे। ठीक है, तो डी यहाँ, येलो यहाँ पे है तो डी यहाँ पे सेट हो गया। अब देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। नो पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स येलो, ये तो हमने यूज कर ही लिया है। डी डजेंट लाइक कलर्स, ठीक है ये भी यूज कर लिया, फ्रूट पसंद है तभी नीचे लिखा है इसे। ठीक है, थ्री पर्सन वर बॉर्न बिटवीन डी एंड वन हु लाइक्स येलो, तो 1 2 3 ऊपर तो नहीं जा सकते, नीचे जाएंगे, 1 2 3, 3 का गैप आया। और क्या पसंद है, मैंगो फ्रूट्स भी पसंद है, तो बिल्कुल इस बात को ये एग्री भी कर रहा है। चलिए यहाँ पे मैंगो लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक एकदम सही से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, देर इज नो पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक्स मैंगो एंड ब्लू कलर, तो नीचे तो जगह है नहीं, ऊपर ही है और ऊपर वाले को कलर ही पसंद है, सी लिखा हुआ है तो ऊपर मैंगो के लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ब्लू कलर लिख देंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे। नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लू कलर इज 1 लेस देन दी नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिफोर ए, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक, इससे पहले कोई इंफॉर्मेशन तो हमने मिस नहीं किया, जल्दी से देख लेंगे, जल्दी से देखेंगे। थ्री पर्सन, देर इज नो पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स मैंगो एंड नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लू कलर, ठीक है ब्लू कलर के बाद कितने, ब्लू कलर के बाद कितने लोगों का जन्म हुआ है, एक का ही जन्म हुआ है, तो एक का जन्म हुआ है, क्या बोला, द नंबर ऑफ पीपल हु बॉर्न आफ्टर ब्लू कलर इज 1 लेस, मतलब 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु वर बॉर्न बिफोर ए, ए से पहले जितना पैदा हुए थे वो एक कम है जितने की ब्लू के बाद पैदा हुए थे, तो ब्लू के बाद एक पैदा हुआ था तो ए से पहले कितना पैदा होंगे, 1 + 1 2, मतलब ए उस पोजीशन पे होगा जिससे दो पहले ही जन्म हुआ हो, मतलब उससे पहले सिर्फ दो ही पर्सन पहले पैदा हुए हो, तो ऐसे कौन सा, 1 2 कहां पर आ जाएगा, ए येलो के सामने। एकदम क्लियर है, एकदम इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, आराम से पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। आगे बढ़िए, द वन हु लाइक्स एप्पल वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर बी एंड बी डज नॉट लाइक मैंगो, ठीक है द वन हु लाइक्स एप्पल, ठीक है जिसे एप्पल पसंद हो, एप्पल मतलब फ्रूट है, एप्पल यही आ सकता है, या तो एप्पल यहां है या फिर ये हो सकता है कि एप्पल यहां है, एप्पल यहां आएगा तो बी कहां आएगा, बी यहां आ जाएगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बी डू नॉट लाइक मैंगो, ठीक है बी डू नॉट लाइक मैंगो यहां पर नहीं सेट कर रहे, ऊपर या फिर इन दोनों पे देखते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन भी है क्या जिससे कि सारी चीजें क्लियर है। नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर बी इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर जी, अगर दो ही केसेस बन रहे थे बी और किसके लिए, एप्पल के लिए, या तो एप्पल यहां पर है या फिर एप्पल यहां पर है, क्योंकि एप्पल के जस्ट नीचे आपके क्या होने वाला है, बी होने वाला है, तो ऐसे दो ही केस है कि या तो यहां और यहां सेट हो एप्पल और बी की कॉम्बिनेशन, या फिर यहां और यहां सेट हो। मान लीजिए अगर एप्पल और बी की कॉम्बिनेशन यहां सेट होती है, मतलब सबसे ऊपर आपका एप्पल आ रहा है और जस्ट नीचे 9th को ऑफ मार्च आपके बी आ रहा है, चलिए फिर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई थी, नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर बी इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर जी, बी से पहले कितनों का जन्म हुआ है, सिर्फ एक का, तो जी के बाद भी सिर्फ एक का जन्म होगा, तो जी कौन से पे आ जाएगा, 16th of July पे, चलिए जी को यहां लिख लेते हैं, जी को यहां लिख लिया। अब एक एक पॉसिबिलिटी और थी, कौन कौन सी, कि ये 7 और 9 मार्च को आने के बजाय 7 और 9 जुलाई को आए, तो अगर आपका बी 9 जुलाई को होता, 9 मार्च को छोड़ के 9 जुलाई को रखा जाता बी को, तो बी से पहले कितनों का जन्म हुआ है, 1 2 3 4 5, बी से पहले कितनों का जन्म हुआ है,
पांच का जन्म हुआ है, तो जी के बाद भी पांच का होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो जी को एक ही जगह पे आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए ऑलरेडी हमारा फिक्स्ड है। इसका मतलब ये जुलाई वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, सिर्फ मार्च वाली हो पाएगी। तो एप्पल और बी की पोजीशन भी हमने एकदम फिक्स कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िया बढ़ा जाए। 3 persons वर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड एच। 3 persons वर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड एच, जिसको ग्रीन पसंद था, मतलब कलर पसंद था। तो कलर पसंद के लिए कौन कौन से, एक दो, दो हो सकते हैं। तो एच कहाँ पे, एक दो तीन, यहाँ पर एच है। अगर ग्रीन यहाँ करें तो 1 2 3 H, नहीं ये नहीं हो सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए देख लेते हैं। अब ग्रीन कहाँ कहाँ, ग्रीन एक कलर है, कलर वाले कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। एक तो यहां पर ग्रीन सेट हो सकता है, अगर ग्रीन को यहां सेट किया जाए तो एच कहाँ जाएगा, ऊपर तो आ नहीं सकता। 1 2 3 छोड़ के एच को आना चाहिए 9th of July पे। अब एक पॉसिबिलिटी और है कलर की, कि यहां ग्रीन आ जाए। अगर यहां ग्रीन आ जाता तो एच कहाँ आता, 1 2 3 छोड़ के एच आता बी की जगह पर। पर ऑलरेडी जब बी फिक्स है तो वहां पर एच कैसे बैठ सकता है। तो इसका मतलब आपकी जो हमने पॉसिबिलिटी बनाई है, जिसमें 9th मार्च बी के सामने ग्रीन आ रहा है और एच आ रहा है 9th जुलाई के सामने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एच एंड द वन हु लाइक्स चेरी वाज बोर्न इन द सेम मंथ बट नॉट इन मार्च। ठीक है, ये तो हमने अभी क्लियर कर ही लिया, जुलाई में ही आ रहा है एच। ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर लेते तो और ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा एच आप लिख सकते थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया था, द वन हु लाइक्स चेरी वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ, तो जुलाई में ही जन्म हुआ है। अब ब्लू और मैंगो तो ऑलरेडी फिल्ड है, ब्लू और मैंगो तो ऑलरेडी फिल्ड है, और एच और चेरी, तो इसका मतलब चेरी कहाँ जाएगा, 7th जुलाई के सामने, क्योंकि चेरी क्या है, एक फ्रूट है। दूसरा जो जुलाई वाला फ्रूट था वो ऑलरेडी फिल्ड था मैंगो, एक ही जगह बची थी चेरी, और एच और चेरी के बीच में दोनों सेम मंथ में पैदा हुए हैं पर मार्च में नहीं हुए हैं, ठीक है, तो जुलाई में दोनों का दिखा दिया। ठीक है, सी वॉज बॉर्न आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। ब्लू कलर किसी जी को पसंद है, उसके नीचे की पोजिशन है वो सी से फिल हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। ई डज नॉट लाइक एनी कलर, ई को कोई कलर पसंद नहीं है, चलिए ये तो क्लियर है। एफ डज नॉट लाइक एप्पल, एफ को एप्पल पसंद नहीं है, तो एफ को कौन सा पसंद हो सकता है, चेरी, क्योंकि ये एक जगह बची है। अगर एफ को यहां फिल कर दिया है तो ई आपका ऑटोमेटिकली यहां फिल हो जाएगा। अब आपके पास एक ही फ्रूट बचा है, एक ही कलर बचा है, फ्रूट कौन सा बचा है आपके पास, बनाना, तो बनाना यहाँ पे फिल कर दीजिए, जल्दी से बनाना फिल कर दिया। और एक ही कलर बचा है, कलर कौन सा बचा है हमारे पास, चलिए जल्दी से देखिए, कलर बचा है हमारे पास रेड। तो ये पूरी की पूरी आपकी अरेंजमेंट बन चुकी है। सवाल थोड़ा बड़ा था पर आराम से आप करते जाएं तो आप देख सकते हैं कहीं भी हम अटके नहीं है, आराम से धीरे धीरे करके यहीं पर सॉल्व करते गए हैं और सवाल पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। तो बस कुछ नहीं, पेशेंस रखना है, जो कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन है उनको यूज करना है एक के बाद एक, ऐसी इंफॉर्मेशन पहले यूज नहीं करनी जिसके कारण ज्यादा कंफ्यूजन हो, वो इंफॉर्मेशन यूज करो जो एक के बाद एक कनेक्टिंग हो और आप वेरीफाई कर सके। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। ये सवाल था RRBPO मेंस 2017 का, इंपॉर्टेंट पजल है, ऐसे पजल आपके आने वाले एग्जाम RRBPO मेंस 2018 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं RRBPO प्री का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है और सभी बच्चे मेंस की अब तैयारी करें, तो उन्हीं के लिए ये सेशन लेकर आया था मैं। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।